हाय, तो ये महंगे रोप वॉल डेकोर का हम डुप्लीकेट बनाएंगे, सो डोंट वरी, वो भी दिखने में रियली दिखेगा। सिर्फ 5 रुपए के कपड़े सीने वाले थ्रेड को यूज करके बनाएंगे। मैंने 3 क्लासिक DIY बनाया है, तो वीडियो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एक बहुत ही सिंपल एंड ईजी DIY से शुरू करेंगे। उसके लिए कार्डबोर्ड लिया है मैंने यहाँ पर, एंड पेपर के ऊपर M साइज का थोड़ा राउंड सर्कल में कट करके उसको कार्डबोर्ड के ऊपर ट्रेस करेंगे। ये पेपर ना हिले उसके लिए मैंने इसके ऊपर पेंट की खाली बॉटलें रख दी थी, एंड इसको कट करेंगे। इसके एजेस को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह मास्किंग टेप से भी कवर कर सकते हो। पूरे एजेस को हमें फेविकॉल की मदद से पेपर को चिपकाना है। तो जिसके भी घर में सिलाई का काम करते हैं, उनके घर में ऐसे छोटे छोटे धागे के पीसेस बचे होंगे, उसको लेकर एक कार्डबोर्ड के ऊपर लपेटना है जब तक कि एक मोटी रस्सी के जैसा ना बन जाए। उसके बाद इसको कट करके निकाल देंगे। इसी तरीके से हमको 2 अलग अलग पीसेस बनाना है, दोनों को आपस में एक नॉट टाई करके इसको एक जगह टेप की मदद से अच्छी तरीके से चिपका देंगे। एंड पहले एक एक अलग अलग पीस को लेकर हाथ में पकड़कर कुछ इस तरीके से ट्विस्ट करना है दोनों को आपस में। एंड दोनों को ट्विस्ट करने के बाद दोनों को आपस में मिलाकर दूसरी बार भी ट्विस्ट करेंगे। लास्ट में इसके ऊपर एक नॉट टाई करके छोड़ देंगे। एंड जो हमने कार्डबोर्ड बनाया था उसके ऊपर एक व्हाइट एक्रेलिक कलर का कोट अप्लाई करेंगे। वो क्यों आपको आगे पता चलेगा। तो फेविकॉल को कार्डबोर्ड के ऊपर अच्छी तरीके से लगा के जो हमने एक धागे की मदद से जो ट्विस्ट बनाए थे, मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग साइजेस के और अलग अलग शेप के बनाया है। तीनों को 1x1 करके चिपकाएंगे। पहले तो बड़ा वाला पीस चिपकाएंगे, एंड उसके बाद थोड़ा छोटा वाला, एंड उससे भी छोटा वाला। 3 अलग अलग पीसेस को चिपका के इसके नीचे वाले जो भी बाल जैसे दिख रहे हैं उसको कंघी की मदद से कंघी करके एक्स्ट्रा बाल जो है उसको कट करके निकाल देंगे। हमने व्हाइट पेंट इसलिए करा था कि जब हम रोप को चिपकाएंगे तो गोल्डन कलर ना दिखे। अब बारी है इसको टाई डाई करने की। उसके लिए एक छोटे कटोरे में पानी लेकर उसके अंदर ब्लैक कलर को ऐड करेंगे। आप चाहे तो आपका जौन सा भी कलर होगा फेवरेट वो ऐड कर सकते हो, नीचे कलर गिरने से बच जाए। इसके लिए मैंने कपड़ा ऐड किया है, जो भी हम इसके नीचे तक सिर्फ जहाँ पर भी गांठ लगाई है वहाँ पर इसको डिप करके निकाल देंगे। दोनों तरफ सेम तरीके से करना है। आपको इतना ध्यान रखना है कपड़े जैसे टांगते हैं वैसे भी इसको टांग कर रखना सूखे तक। एंड चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल रिजल्ट। बढ़ते हमारे दूसरी DIY की तरफ, जो कि बहुत ही ट्रेंडी एंड बहुत ही महंगा मिलता है मार्केट में। उसको हमें ये रोप से बहुत ही सस्ते में रिक्रिएट करेंगे। तो जिस तरीके से हमने पहले भी कार्डबोर्ड के ऊपर लपेटा था उसी तरीके से सेम तरीके से लपेटेंगे। एंड 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हुए इसको बहुत सारे पीसेस कट कर लेंगे। एंड एक दूसरे थ्रेड के अंदर एक सिंपल वाली मोती को ऐड करेंगे। इसको भी टेप की मदद से सिक्योर करेंगे। जो हमने पीसेस कट किए थे अलग अलग उसको कुछ आपस में ऐसे जिगजैग करते हुए निकालना है। एंड लास्ट में एक पुल करके इसको अपसाइकल कर देंगे ऊपर की तरफ। सेम तरीके से मैं यहाँ पर दूसरी जगह पर भी बता रहा हूँ, एक तरफ नीचे एक तरफ ऊपर की तरफ रखना है। पहले वाले को हमने ऊपर रखा था और दूसरे वाले को ऊपर की तरफ रखकर इसको भी पुल करके ऐसे पुश कर देंगे। सेम तरीके से हमें सारे पीसेस को करते जाना है। आपको जितना बड़ा लीफ चाहिए होगा उतना बड़ा रख सकते हो लीफ को। एंड इसके ऊपर वाले टेप को रिमूव करके आपको इसको टांगने के लिए जितना भी लेंथ रखना है उसके लिए पहले इसके सारे पीसेस को नीचे कर देंगे। एंड इसको एक कोम की मदद से कोम करके अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर एक पेपर के ऊपर लीफ का शेप ड्रॉ करके उसको कट कर लिया था। उसको फेविकॉल की मदद से रोप के ऊपर चिपकाना है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि इसको लीफ को जो है आपको बहुत ही बड़ा रखना है। मैंने यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे शेप कट किए थे। एंड सेम तरीके के मैंने यहाँ पर बहुत ही अलग अलग कलर के बनाए हैं। आप देख सकते हो लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, व्हाइट, ग्रे कलर। एक लकड़ी को लेकर इसके ऊपर कुछ इस तरीके से आप बस टांगना है, आपको इसको गांठ नहीं मारना है।
ताकि हम किसी भी दूसरे लकड़ी के ऊपर इसको फिर से टांग सके। एंड सारे पीसेस को टांगने के बाद लास्ट में इसको वॉल पर हैंग करने के लिए एक दूसरे थ्रेड को लेकर इसके कॉर्नर में नॉट टाई कर देंगे दोनों साइड पे। चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल रिजल्ट। तो चलिए बढ़ते हमारे तीसरी DIY की तरफ, जो कि पहले DIY में जो भी पीसेस बचे होंगे उसको तीसरी DIY में यूज़ करेंगे। उसके लिए पहले ऐसे छोटे छोटे पीसेस को लेकर नॉट टाई करके उसके लटकन बना देंगे। एंड वाइट लटकन में से कुछ सुई धागे से थ्रेड को पास करके ग्रीन वाले में भी पास करेंगे, मतलब कि टोटल हमें यहाँ पर डबल लटकन बनाना है। एक के ऊपर एक रखकर इसको सेम तरीके से मैंने यहाँ पर करीब 5 ऐसे लटकन बनाए हैं। एंड जो भी इसका एक्स्ट्रा पीसेस होंगे, एक्स्ट्रा जो भी बचा होगा उसको कट करके निकाल देंगे। फिर से एक लकड़ी को लेकर उसके ऊपर सारे लटकन को नॉट टाई कर देंगे। लेकिन बनाते वक्त ये DIY बहुत ही सुंदर दिख रहा था, लेकिन बनने के बाद इसका लुक बहुत ही चेंज हो गया, वो किस लिए आप कॉमेंट में बताना। चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल रिजल्ट। आपको ये 3 DIY में से कौन सा DIY अच्छा लगा कमेंट कर बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी हिट करना ताकि मैं जो भी वीडियो लाता रहूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं हमारे दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए।